नीट पेपर लीक मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने नीट मामले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने नीट UGC 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार पर जमकर निशाना साधा और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा परीक्षा कराने की बड़ी मांग कर दी है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीट परीक्षा मजाक बनकर रह गई है। सुनिए और क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। एनटीए क्या है? मजाक है, जोक बना हुआ एनटीए, करप्ट है एनटीए। ये 30-30 लाख लेके बिहार की पुलिस बोलती, अच्छा वहां के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार 30 लाख लेके बच्चों को पेपर दे दिया गया। अरे भाई, ये डॉक्टर बनेगा तो इन्हें तो पूरों को खबरस्तान भिजा देंगे, शमशान को भिजा देंगे। 30 लाख आप बचाए, फिर ये गरीब के बच्चे क्या करना। अच्छा, हैरत की बात ये है कि हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि हर बोर्ड एग्जाम से पहले नरेंद्र मोदी आ जाते टीवी के ऊपर, बच्चों को जमा करते और बच्चों को क्या एडवाइस देते, आप एग्जाम वॉरियर है। अरे कौन से एग्जाम के वॉरियर है मोदी जी? असल जंग तो आपने बच्चों पे छेड़ दी अपनी तरफ से, इनके मुस्तकबिल को आपने बर्बाद कर दिया, इनके मां बाप के ख्वाबों को मोदी ने चुकना चूर कर दिया। अरे कुछ तो शर्म रखो बीजेपी वालों, 24 लाख बच्चे और आप बोल रहे खाली 1500 का हम री एग्जाम कराएंगे, वो ग्रेस मार्क्स ले लेंगे। अरे पूरा री एग्जाम होना चाहिए। एनटीए बकवास है, उसका जो हेड है वो आरएसएस का संगी है मध्य प्रदेश का। इन लोगों को मतलब ही नहीं है, ये संगियों को क्या मालूम मेडिसिन क्या होता, टेक्निकल क्या होता। जो खुद उनके ताल्लुक रखने वाले जो सेवक है, जो मुल्क के वजीर आजम बन गए, वो खुद बोले कि भाइयों बहनों मुझे लगता है कि मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ। आप बताइए इन बच्चों का क्या होगा? आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि जो फोन पे रोते इनके मां बाप, हम कर्जे लिए हैं, हम 2-2 साल से अपने बच्चे को नहीं देखे। ये कोचिंग सेंटर भी बड़े गजबनाक है, एक एक कोचिंग सेंटर क्या क्या करता है नहीं मालूम। अच्छा, जो हरियाणा के 8 टॉपर हैं, एक भी कोचिंग सेंटर उनको बोल रहा नहीं हमारे पास पड़े। तो इसका हम मजलिस इस बात का हुकूमत से, मोदी से मुतालिबा करती है कि ये नीट दोबारा होना चाहिए, और जब दोबारा होगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करे। एनटीए नहीं कर सकता, एनटीए बर्बाद हो चुका है। बल्कि उस मुल्क में यह होना चाहिए कि नीट से पहले जो हमारे पास हर स्टेट का एमसेट होता था वो सही था, 15% CBSE का कोटा था। इन्हों कौन होते भाई? ये नीट जो बनाया गया है तो दौलतमंदों के बच्चों के लिए फायदेमंद है। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो कोचिंग सेंटर में डालते, 2-2 साल करते, और वो गरीब का बच्चा क्या करेगा? तो एक पूरा एक्सपोज हो चुका है, बीजेपी बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। नरेंद्र मोदी इस पे कुछ बोलने तैयार नहीं है, बोले आज न्यूज आई के मैं मन की बात करूंगा। नरेंद्र मोदी मन की बात देश की आवाम की, गरीबों की करो, 24 लाख बच्चों की मन की बात करो। आप अपने मन की बात में आप बोलो कि दोबारा नीट करवाए जाएंगे और एनटीए नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर नीट होगा। आप बताइए क्या मजाक हो रहा है इन बच्चों के साथ, क्या गुजर रही है उन बच्चों के साथ। सब परेशान है, एक एक बच्चा बच्ची मेहनत कर रहे हैं मगर कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। मगर बीजेपी को इससे मतलब है, बीजेपी को जानवरों से मतलब है, इंसानों से मोहब्बत नहीं है बीजेपी को। बीजेपी को इंसानों से मोहब्बत नहीं है, गरीबों से मोहब्बत नहीं है बीजेपी को।
उन बच्चे जो इनके मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका है, जिनकी माए माँ बाप फर्जों में डूबकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बीजेपी को फिक्र ही नहीं है। नहीं, वो जानवर ऐसा यूं कर रहे हैं, वो कर रहे, और जो इल्म हासिल कर रहे हैं ये बीजेपी एंटी एजुकेशन की सरकार है। और हम मोदी हुकूमत से डिमांड करते हैं कि आप दोबारा नीट करवाइए, खाली हो 1500-1600 बच्चों को नहीं, पूरा करवाइए। ये क्या ग्रेस मार्क्स, टेक्निकल ग्लिचेस, कैसे ओडिशा और झारखंड के बच्चे गोधरा में एग्जाम कैसे लिखते हैं?